जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरे का उद्घाटन किनके हाथों से किया गया? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी राज्यपाल? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। वाणी विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। बिहपुर, किसान सत्याग्रह पद यात्रा से बिहार कांग्रेस ने किसान बिल का किया विरोध। किसान बिल के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली। भारत के तमाम उद्योग रेल के साथ किसानों की जमीन भी गिरवी रखना चाहती है भाजपा सरकार। जिस काले धन को लाने की बात कर सत्ता में आई थी, आज वह जुमला बनकर रह गया है। उक्त बातें बिहार कांग्रेस कमेटी प्रभारी भक्त चरण दास के द्वारा किसान सत्याग्रह पद यात्रा के समापन में स्वराज आश्रम में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में गांधी विचार विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार के द्वारा गंगा के साथ संकल्प एवं विलुप्त हो 6 अनाज कौनी, चीना, खेड़ू, जय, जौ, अलसी को संरक्षण के संकल्प के साथ प्रारंभ किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चंदन यादव, प्रवीण कुशवाहा, गुंजन पटेल, कोको कादरी, परवेज जमाल, कोमल सृष्टि, अनामिका शर्मा, अमृता भूषण, माधव, प्रोफेसर शशि कुमार सिंह, अशरफ अहमद, अरुण कुमार वर्मा सहित कई नेताओं ने सरकार के किसान के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। किसान बिल के विरोध में बिहार कांग्रेस के द्वारा ट्रैक्टर रैली लत्तीपुर से शुरू किया गया। रैली का समापन दाता मंगन शाह के मजार पर किया गया। बिहार कांग्रेस के नेतृत्व में किसान सत्याग्रह पद यात्रा की शुरुआत दाता मंगन शाह के मजार से की गई। हजारों किसान समर्थक के साथ सर्वप्रथम दाता मंगन शाह रामतुला अले के मजार पर चादर पोशी की गई। सोनवर्षा मिल की विक्रमपुर बिहपुर से होते हुए बिहपुर प्रखंड स्थित स्वराज आश्रम में पद यात्रा का समापन किया गया। के खिलाफ इन कानून के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। मैं किसानों को पूरा का पूरा बच्चा ट्रैक्टर रैली था आज और चादर पोसी। जो किसानों को विरोध में कानून लाया गया उससे हम लोग बहुत और किसानों का जमीन हड़पने के लिए, किसान को कमजोर करने के लिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए और सारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए हैं आईडी नीचे करिए आ रहे हैं या जो न्यायालय में जाने का जो कानून था उसको हटा रहे हैं, ये सारी बातों भैया 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 किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसको हम समझ।
नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। भागलपुर के कहलगांव में 3 तलाक कानून के उल्लंघन का आया मामला सामने। भागलपुर के कहलगांव में एक मुस्लिम महिला को उचित दहेज न देने की वजह से पति ने वीडियो कॉल कर तलाक दे दिया। इस तरह के तलाक दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट जहां अवैध घोषित कर चुका है, वहीं पीड़िता 2 माह से पुलिस के चक्कर लगाकर थक चुकी है। कोई सुनवाई ना होता देख भागलपुर की सीनियर एसपी नितेशा गुड़िया के कार्यालय पहुंची। पीड़िता मजहबी खातून अपने भाई के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां मौके पर उन्होंने एसएसपी को आवेदन भी दिया है। मौके पर उन्होंने बताया कि उनके पति मोहन अंसारी और उसके परिवार वाले के द्वारा लगातार उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और बीते 2 माह पूर्व एक दिन वीडियो कॉल कर उनके पति ने 3 तलाक दे दिया है। ये है कि 2017 में 4 नवंबर को शादी हुई थी उसके खुशी रजामंदी से। लड़का को कोई और लड़की पसंद थी, उसका बाप जबरदस्ती शादी करा दिया और जो है तो शादी करने के टाइम में जितना से डिमांड किया सारा कुछ मिल गया। उसके बाद से उसका पिता जो है मेरे से डिमांड करने लगा कि 10 लाख लेकर के आओ तब तुमको रहने देंगे वरना तुमको मार देंगे। 3 महीने का गर्भपात भी खराब किया और जो है मारपीट करके हमको भगा दिया सर छोड़ करके। थाना गए कहलगांव थाना तो उल्टा जो है एक थी तो वो उसी का साइड ली। जब तक हम गए थे तो ठीक थी मेरे साइड थी, उसके बाद जो है क्या बात हुआ उन लोगों में उसी के साइड हो गई। क्या नाम है आपके पति का? मोहन अंसारी। क्या करता है वो? वेल्डिंग का काम करता है। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम मजहबी खातून है। इसके पहले कहाँ कहाँ गई न्याय के लिए? इससे पहले कहलगांव थाना गया है और NTPC थाना मेरे मायके का पड़ता है, तो 3-4 बार गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर जो है तो यहाँ DIG सर के पास आए तो वहाँ भी गए, तो यहाँ SSP के पास भेजे तो यहाँ भी आए, तो उस टाइम फांसी बहुत ही सारे, उस टाइम फिर भी कोई कार्रवाई, आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब अभी मैडम ने क्या भरोसा किया? अभी तो हम मिले नहीं थे तो वो बोली है कि ठीक है हम करवाते हैं कार्रवाई। आप कब से यहाँ भटक रही हैं भागलपुर में? 1.5 साल से भटक रहे हैं मगर 2 महीने से ज़्यादा परेशान है। क्या मांग करेंगे आज? क्या मिलेंगी तो क्या कहेंगी SSP से? अभी मुलाकात करेंगी तो क्या कहेंगी? मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़का के पिता का क्या नाम है? कुलवान अंसारी। दो महीना पहले मिले थे लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। किनसे मिले? आशीष भारती सर से। और कौन अधिकारी से? और DIG सर से। किनसे मिली थी आप? थोड़ा सा तेज बोलो। तेज बोलिए जरा सा, यहाँ देखिए। पहले मामला बता दीजिए उसके। इनका 2 महीना पहले केस दर्ज किया गया था और पहले भी इनका हम लोग ही जा करके दिए हुए थे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई किया नहीं गया था। तो फिर आज हम लोग SP मैम से मिलने आए और पूछे क्या मैम 3 तलाक का तो कानूनन जुर्म हो गया, अब तो ये 3 तलाक हट चुका है, फिर भी इस चीज़ को लेकर के लड़का हमेशा लड़की को मतलब कह रहा है क्या हम लोग का तलाक हो चुका है, साथ में नहीं रहेंगे, 1.5 लाख रुपया लो अपना साइड हो जाओ, नहीं लोगी तो जान मारने का धमकी भी आ जा रहा है लड़की को। तो इस चीज़ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की मैं अध्यक्ष हूँ, अमिता कौशिक नाम है हमारा, और आज मैं मैम से मिल के इस पर बात की तो मैम ने कहा महिला डेस्क पर मैं भेज रही हूँ और देखती हूँ क्या कैसे वो मतलब नहीं मानता। 2 महीने पहले भी इनके द्वारा आवेदन दिया गया था, इसको लेकर कुछ SSP मैम ने कहा? DIG के यहाँ से लौटी है मैम, पूछे क्या इस पर मतलब केस की है वो, तो हम उनको बोले कि 2 महीना पहले से ये केस चल रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैम बोली क्या ठीक है हम इसको महिला डेस्क में भिजवाते हैं और वहाँ से फिर हम कार्रवाई करवाते हैं, फिर अब आगे देखिए मैम क्या इस पर कार्रवाई करती हैं, नहीं अगर करती तो फिर हम लोग आके मैम से पूछेंगे क्या बात। कोरोना के नए स्ट्रेन आने की संभावना से प्रशासन अलर्ट, SDO एवं SDPO के नेतृत्व में चलाया गया सघन मास्क जांच अभियान। कोरोना वैश्विक महामारी के नए स्वरूप के दस्तक होने की संभावना को लेकर पुलिस एवं
प्रशासन स्तर से अभी से अलर्ट हो गई है। कोरोना महामारी के नए स्वरूप के रोकथाम के लिए प्रशासन सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसको लेकर पूरे जिले में लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर बुधवार को नौगछिया SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार एवं SDPO दिलीप कुमार ने सभी CO एवं थाना अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि कोरोना का नया स्वरूप को देखते हुए उनका फैलाव नहीं हो सख्ती बढ़ा दी गई है। इसको लेकर सभी थाना अध्यक्ष व CO को सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें और कोविड-19 के नियमों का 100% पालन करें, यह अपील है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक पूरी सख्ती के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को SDO अखिलेश कुमार एवं SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में NH-31 पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान उन्होंने 50 लोगों को जुर्माना किया। कितने लोगों का सर मास्क जांच हुआ सर? अभी SDO साहब और हमारे नेतृत्व में मास्क फाइन किया जा रहा है। ऊपर से आदेश है कि अभी से लेकर 7 दिन तक मास्क फाइन का ड्राइव चलेगा, जिसमें लोगों को जागरूक करना है कि वो मास्क पहने, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन आने की सूचना है। तो अभी से सतर्क रहेंगे तो इस बीमारी को टाला जा सकता है। तो हम लोग भी जागरूकता फैलाने के लिहाज से जो तय राशि है 50 रुपया, उसका फाइन किया जा रहा है। लगभग 50 लोगों का अभी तक हम लोगों ने मास्क फाइन किया है और ये एक सिम्बोलिक है। और जितने ये हैं अंचल कार्यालय CO साहब को नियुक्त किया गया है, सभी थानेदार को निर्देशित किया गया है, खास करके SP साहब की तरफ से और DM साहब की तरफ से, कि जिले में सघन मास्क फाइन करवाया जाएगा और इससे लोग जागरूक होंगे और फिर से मास्क पहन के चलना शुरू करेंगे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। सोना चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने बंगाल और झारखंड में की छापेमारी। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने के एक बड़ी चोरी की घटना मामले में मुख्य आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने झारखंड के साहेबगंज और पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में छापेमारी की है। छापेमारी के क्रम में दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मुख्य आरोपी मोहम्मद इस्माइल अब्दुल भी साथ था। जानकारी मिली है कि पुलिस ने झारखंड के साहेबगंज में छापेमारी कर भारी मात्रा में सोना भी बरामद किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस संदर्भ में कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं थी। दिल्ली पुलिस की टीम सादे लिबास में थी, अधिकांश पुलिसकर्मी जींस और टी शर्ट में थे। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के बाद आरोपी के साथ कहलगांव गंगा घाट पहुंचे और वहां से स्टीमर के माध्यम से नदी पार किया और ऑटो से नौगछिया स्टेशन पहुंचे। नौगछिया स्टेशन से पुलिस की टीम आरोपी को लेकर राजधानी एक्सप्रेस से बुधवार देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। नौगछिया स्टेशन पर नौगछिया रेल थाने के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ की है। रेल पुलिस को दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त आरोपी को रिमांड पर लेकर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वे लोग झारखंड के साहेबगंज और मालदा टाउन गए थे, फिर आरोपी को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रेल पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए कांड के संबंध में वे लोग ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सभी जवान सादे लिबास में थे, इसलिए रेल थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने उक्त व्यक्ति के पुलिस कर्मी होने की पूरी तसल्ली कर ली थी, फिर सबों से खैरियत लेकर क्लीन चिट दिया। नवगछिया शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुई मैट्रिक की परीक्षा। नवगछिया के 9 परीक्षा केंद्रों पर चल रहे मैट्रिक की परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुई। बुधवार को ही ऐच्छिक विषय की परीक्षा के साथ परीक्षा का समापन हो गया। बुधवार को अंतिम दिन हुई मैट्रिक परीक्षा के दौरान नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज सभी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा केंद्र पर चल रही परीक्षा का जायजा ले रहे थे। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार ने कहा कि नवगछिया में अंतिम दिन भी मैट्रिक परीक्षा दोनों पाली में कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गयी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया संगठन के जदयू प्रखंड अध्यक्ष घोषित
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 32 जिले के प्रखंड अध्यक्षों की घोषणा बुधवार को कर दी है। इस बाबत जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि नौगछिया से मुरारी मंडल, रंगरा से भोला मंडल, गोपालपुर से साकेत बिहारी, इस्माइलपुर से चंद्रिका प्रसाद मंडल, खरीक से ललन महतो, बीपुर से मनोज लाल और नारायणपुर से अनिल पटेल को प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, मीडिया सेल के जिला संयोजक प्रिंस पटेल, रूपक पटेल, शिवशंकर चौधरी, सूरज कुमार, उल्लास सिंह कुशवाहा व अन्य ने बधाई दी है। नवगछिया के अश्वनी को मिला विश्व भारती से पीएचडी की उपाधि। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड स्थित भवानीपुर निवासी अश्वनी कुमार को हिंदी की प्रसिद्ध समाचार पत्रिका दिनमान पर मौलिक शोध कार्य के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती के अनुसार उन्हें यह उपाधि श्वा तंत्योत्तर हिंदी पत्रिका की परंपरा में दिनमान एक मूल्यांकन विषय के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने यह शोध कार्य प्रोफेसर डॉक्टर मंजू रानी सिंह के निर्देशन में पूरा किया है। डॉक्टर अश्वनी कुमार ने बताया कि दिनमान पत्रिका की शुरुआत हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञे ने की थी और फिर रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल नंदन, मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु सहित कई महान ख्याति प्राप्त साहित्यकारों ने इसे ऊंचाई प्रदान की। बताते चले कि डॉक्टर अश्विनी कुमार ने उच्च विद्यालय नौगछिया से माध्यमिक, जीवी कॉलेज नौगछिया से उच्च माध्यमिक, टीएनबी कॉलेज भागलपुर से स्नातक और कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। भागलपुर में रहते हुए वे नई बात, प्रभात खबर, दैनिक हिंदुस्तान, समकालीन तापमान, द लाइट ऑफ बिहार में बतौर पत्रकार अल्पकालीन काम भी किया है। इसके अलावा दैनिक जागरण के भागलपुर संस्करण, परिशिष्ट, जागरण सिटी के परिशिष्ट लेखक भी रहे हैं। इनके पिता ब्रजनंदन झा पेशे से सिविल कोर्ट नवगछिया में अधिवक्ता और मां करुणा झा गृहिणी हैं। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में लें नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षकों को मिली थाने की कमान। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु 2 महीने के लिए प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक क्रमशः अशोक कुमार को गोपालपुर व वसंती टुड्डू को पर्वता थाने की कमान सौंपी है। गोपालपुर व पर्वता थाने के थानाध्यक्ष को प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक को कार्य में सहयोग करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर थानाध्यक्ष के रूप में प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक अशोक कुमार ने योगदान देकर गोसाईगांव चौक पर गहन मास्क चेकिंग अभियान में 67 लोगों से जुर्माना वसूला है। उन्होंने बताया कि गोपालपुर थाने में लंबित मामले का निष्पादन व फरार अपराधियों की धरपकड़ करना, अपराध पर काबू पाना प्राथमिकता में शामिल है। गोपालपुर बीडीओ और सीओ के नेतृत्व में गोपालपुर थाने पुलिस ने मास चेकिंग अभियान चलाया। तेजस्वी यादव से युवा राजद के प्रवक्ता अरुण यादव ने की मुलाकात। भीपुर विधानसभा क्षेत्र के जन सरोकार से जुड़े सभी समस्याओं से कराया अवगत। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी के सरकारी आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर गोपालपुर और बीपुर विधानसभा क्षेत्र के जन सरोकार से जुड़े सभी समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि गोपालपुर और बीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपराध, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वहीं गंगा और कोसी कटाव से लाखों विस्थापित परिवार बेघर है, इसकी सुधी लेने वाला कोई नहीं है। पुलिस सप्ताह कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। नवगछिया में पुलिस सप्ताह के कार्यक्रम में नगर पंचायत भवन में बुधवार को वाद विवाद का प्रतियोगिता आयोजित किया गया। संचालन पुलिस लाइन नौगछिया के सार्जेंट जयप्रकाश पंडित कर रहे थे। अपने संबोधन में नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से जनता और पुलिस के बीच संबंध स्थापित करना है। नगरा गांव को आदर्श गांव के रूप में चयन करने का उद्देश्य मूलभूत समस्याओं से निदान दिलाने, जनता से मित्रवत संबंध स्थापित करना, साथ ही युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में पुलिस अवर निरीक्षक राजकुमार सिंह ने कहा कि छात्र छात्राओं को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से मेहनत करना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान शराबबंदी, कोरोना के बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। ग्रामीणों की ओर से क्रीडा मैदान अतिक्रमण की समस्या को रखा गया। एसडीपीओ ने ग्रामीण युवाओं से अवगत होते कई समस्याओं पर चर्चा की। मौके पर रुपेश सिंह, अरुण सिंह, केसर कुमार,
प्रभास पासवान सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम में कई दर्जन ग्रामीण मौजूद थे। नवगछिया में मास सिकिंग में 498 लोगों से वसूला गया जुर्माना। कोरोना नए स्वरूप के मद्देनजर प्रशासन नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में सघन मास सिकिंग अभियान चलाया गया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देशन में चलाए गए मास सिकिंग अभियान में बुधवार को कुल 498 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए सभी लोगों को 50 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बुधवार को हुए मास सिकिंग अभियान में कुल 24,900 रुपए की वसूली की गई। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 14 वाहनों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पकड़े गए सभी वाहनों से कुल 10,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया के गोपालपुर में स्पर्शाघात से युवक की गई जान। गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा निवासी युवक मनीष कुमार पिता राजकुमार मंडल की मौत स्पर्शाघात से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार करंट लगने के बाद परिजनों द्वारा पीएससी लाया गया। मौके पर मौजूद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भक्त चरण दास का मकनपुर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। मकनपुर चौक पर कांग्रेस के झंडे व तोरण द्वार लगाए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत किसान यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी देश भर में किसान विरोधी कानून के वापस लेने का आंदोलन चला रही है। मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रवीण सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद, जितेंद्र प्रसाद सिंह, अजय कुमार सिंह, शंकर प्रसाद सिंह, राजीव चौधरी, नवीन कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, एके झा 9472833513। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817, 7992499821।
यानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।